अब बढ़ते हैं अगली खबर। गुरुवार को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में वकीलों ने एक दिन की स्ट्राइक बुलाकर प्रदर्शन कर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारी वकीलों ने आरोप लगाया कि बीते दिनों रोहिणी जिले के अमनगढ़ थाने में एक महिला वकील के साथ कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, इसीलिए यह प्रदर्शन किया गया है। वकीलों ने मांग की है कि इस घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में वकीलों ने गुरुवार को एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन रख वकीलों ने काम बंद कर अपनी नाराजगी दिखाई। इस प्रदर्शन के दौरान वकीलों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी का माहौल देखने को मिला। वकीलों ने आरोप लगाया कि बीते रविवार को रोहिणी जिले के अमनविहार थाने में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला वकील के साथ मारपीट की गई। दरअसल महिला वकील किसी मामले के संबंध में थाने में जांच अधिकारी से मिलने गई थी, उसी दौरान पुलिसकर्मियों ने महिला वकील के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और नौबत हाथापाई तक आ गई, जिसमें वकील के साथ भी मारपीट की गई। इसी को लेकर गुरुवार को वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए स्ट्राइक बुलाई। वकीलों के इस प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने काम बंद रखा, जिस कारण आम जन को भी थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट इंदर सिंह सरोहा ने बताया कि ये अभी केवल एक दिन का स्ट्राइक बुलाया गया था, लेकिन इस तरह के मामलों पर अगर भविष्य में रोक नहीं लगी तो आगे बड़े प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एडवोकेट इंदर सिंह सरोहा ने बताया कि महिला वकील के साथ हुई मारपीट के मामले में कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की गई है, लेकिन मांग है कि इस मामले में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना आगे ना देखने को मिले। हमारी एक लेडी एडवोकेट अमन विहार थाने में गई थी, आईओ ने बुलाया उसको, कुछ केस की एफआईआर लेनी थी उनको। आईओ ने कहा कि थाने में आ जाओ। थाने में वो जब गई तो वहां पे आईओ थी नहीं, ड्यूटी अफसर और दो तीन लेडी कॉन्स्टेबल्स से उन्होंने बात की, तो बात करते करते वो लेडी कांस्टेबल ने उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं दी, और जब वो काफ़ी देर तक खड़ी रही फिर वो लेडी कांस्टेबल से फिर कहने लगी कि आप मेरे को झूठ बोल रहे हो, मुझे सही बताओ आईओ कहाँ है। आधा घंटा बाद वहाँ पे एक सीनियर अफसर आते हैं और एक जेंटलमैन आते हैं, उसको धक्के देके बाहर निकालने लगे, तो उसने उनकी वीडियो फिर बनानी शुरू की, उसका फोन छीन लिया, उसकी पिटाई करी थाने में। तीन लेडीज और एक जेंट्स, चार पुलिस ऑफिशियल्स सस्पेंड कर दिए गए हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो जो इन्वॉल्व थे उन सब के खिलाफ भी खोल के और इंक्वायरी करके और टर्मिनेट किया जाए।